राजधानी में ठगी की बढ़ती वारदातों को लेकर जयपुर की वेस्ट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चोटवाड़ा थाना पुलिस ने बीते 6 साल से फरार चल रहा शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी सुरेश तिवाड़ी है, जिसके खिलाफ शहर के अलग अलग थाना इलाकों में ठगी के करीब 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्त में आए इस शातिर ठग की चर्चा प्रदेश की मीडिया में ही नहीं बल्कि विधानसभा में ही रही है। ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी सुरेश तिवाड़ी के काले कारनामों को लेकर प्रदेश के विधायक विधानसभा में जवाब मांग चुके हैं। पुलिस की माने तो इस आरोपी के खिलाफ जयपुर के अलावा अन्य स्थानों पर भी ठगी के मामले दर्ज हैं। उन डिटेल स्पेसिफिक तो जैसे है, बेसिक वही है कि जैसे आटे की इन्होंने कोई सौदेबाजी की उसके पैसे नहीं देना, चाय पत्ती की सौदेबाजी की उसके पैसे नहीं देना, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे व्यापारियों के साथ इन्होंने ठगी की है। और कुछ जगह जहाँ चेक्स दिए हैं तो वो चेक्स भी बाउंस हो गए हैं, और ये एक पैटर्न के रूप में लगातार चलता जा रहा है। तो इस तरीके से उनके द्वारा कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया। अभी कुछ दिन पहले मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 4 करोड़ की ठगी ये की कर चुके हैं, और जैसे और लोगों से भी चर्चा हो रही है बाकी।